अब आप जान लो योजना के बारे में, योजना किस तरीके से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा योजना में, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, आपको चले जाना अपने गूगल क्रोम पर, अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप जो भी आप यूज करते हो, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल, आपको गूगल क्रोम पर चले जाना। इसमें टाइप कर देना UPVUCW, ये एक वेबसाइट का लिंक है जो लेबर ऑफिस द्वारा यानी स्टूडेंट को योजना लाभ दिया जाता है। आपको ये पहला लिंक आप देख पा रहे होंगे, इस पहले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य समीकरण कर्मकार्यालय बोर्ड, आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक नोटिफिकेशन खुलेगा फ्रेंड्स, एक न्यू विंडो, और न्यू विंडो खुलने के बाद में आपको क्या करना है, योजना देखिए आप देख पा रहे होंगे, आपको इस योजना पर क्लिक कर देना है। जब आप योजना पर क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे होंगे समस्त योजना, समस्त योजना पर क्लिक करने के बाद में आपका एक न्यू पेज खुलेगा, तो आप इस विंडो पर आ जाओगे। देखिए समस्त योजना पर क्लिक करने के बाद आप एक विंडो पर आ जाओगे, इसके बाद में आपको क्लिक कर देना है, आपको संत रविदास प्रोत्साहन योजना, देखिए ये वाली योजना जो छात्र यानी पढ़ाई करते हैं उनकी अंडर में ये सारी योजनाएं आती हैं। और देखिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें सब कुछ बताया, मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके डाट बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूँ। अब देखिए जी दे इतलब, देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे, अब इसमें देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। देखिए अब आप इसमें देख पा रहे होंगे इस वाली लाइन में, देखिए इसमें सब कुछ बताया गया है, आप इसे गौर से यानी पढ़ सकते हो और देख भी सकते हो। अब देखिए इसमें बताया कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षा कर होने पर विद्यालय पैसा ही पैसा हो गया जाने हेतु निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्री को केवल एक बार ही साइकिल क्रय जाने हेतु प्रदान किया जाने वाली सब्सिडी अनुमान होगी, यानी कि इस वाली योजना में आपको साइकिल गवर्नमेंट देगी अपनी सरकार की तरफ से। उसके बाद में देखिए अगर आप किसी यानी कि डिग्री के हिसाब से आप यानी एडमिशन लेते हो, बीए या बीकॉम जो भी कुछ है, तो उसके हिसाब से देखिए आप इस वाले ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, सरकार ने बताया है कि देखिए स्नातक पाठ्यक्रम या उससे यानी समकक्ष में अगर आप अच्छे नंबर लेकर आते हो एजुकेशन, तो आपको 12,000 की यानी कि 12,000 की सहायता सरकार आपको देगी पैसा ही पैसा हो गया। अब देखिए इसमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है RTI, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अब इसमें क्या बताया RTI पॉलिटेक करने वाले छात्रों को भी सरकार 12,000 की सहायता करेगी, एक सूत्र यानी एक सूत्र का मतलब है एक साल में एक बार आपको 12,000 रुपये गवर्नमेंट सरकार द्वारा आपको देगी लेबर कार्ड के जरिए। तो फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट के बारे में देख पा रहे होंगे, ये वो वेबसाइट है। अब देखिए फॉर्म कैसे भरना होगा इसके बारे में मैं आपको वीडियो अगले यानी जब वीडियो बनाऊंगा तब आप इस साल अपने 10th और 12th को पास करेंगे उसी बाद में आपके लिए ये वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। वीडियो सिर्फ एक नोटिफिकेशन के बारे में बताया है कि आपको ये लाभ दिया जाएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट पास होकर आएगा उसी वक्त मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप अपना योजना का लाभ कैसे लेंगे, अपने ही अपने मोबाइल से ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकोगे और आप सरकार के द्वारा योजना का लाभ उठा पाओगे। तो धन्यवाद, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आपने हमारा YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि अप्लाई करने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।